नौकरी का ही कोई मामला सर, परिवार को नौकरी, परिवार के लोग हमने कहा माता पिता को कि नौकरी किसको चाहिए, क्योंकि एक उनके भाई हैं छोटे हैं, उनकी पत्नी है, तो जैसा भी वो लिख करके देंगे वैसा उनको सरकारी नौकरी मिलेगी उसकी योग्यता के हिसाब से। सर आज किसी परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया? आज कुल मिलाकर के 38 ऐसी योजनाएँ हैं जिसके अंदर 14 इनॉग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये सिरसा जिले की जनता को समर्पित किया है। सीएम साहब अगले महीने राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, किसके कोटे में जाएगी भाजपा? देखिए इसमें कुल मिलाकर के वैसे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्र से जितना करेगा उस हिसाब से ही करेंगे और हम आपस में मिल करके जो भी निर्णय केंद्र का होगा उस हिसाब से उसको। सर बात की जाए कि पंजाब शहर की सरकार के चुनाव करवाने की परमिशन कोर्ट से मिल गई है, सर कितनी जल्दी चुनाव होंगे, क्या आपकी तरफ से सरकार की तरफ से प्रपोजल भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन? हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, उनकी बात खुली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा क्योंकि नोटबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो स्टार्ट हो, लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएँ हैं चौवन हैं या कई दो तीन ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, इसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूँ तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डब्वाली, रानिया और एलनाबाद, ये तीन तो पहले चरण में हो जाएंगे, लेकिन दो ऐसी हैं कालावाली और सिरसा नगर परिषद, कालावाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है उसमें थोड़ा समय लगेगा, और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगे दो महीने हमको लगेंगे इस सारी फाइल प्रोसेस को पूरा करने में, दो महीने में हो जाएगा, लेकिन बाकी नगर पालिका मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी उसकी चुनाव। मेडिकल कॉलेज कब शुरू हो पाएगा सिरसा का? मेडिकल कॉलेज के लिए हमने घोषणा कर दी है और एक प्रकार से उसका फाइल वर्क पूरा हो गया, जमीन भी हैंडओवर हो गई है। जमीन हैंडओवर हो गई है, डीपीआर गैस से बन चुका है, 988 करोड़ रुपए का फाइल में है, जैसे ही मानों में पहुंचूगा तो एमईआर डिपार्टमेंट जनरल मेडिकल दावा कर रही थी कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पंजाब के कुछ किसान मोहाली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिमांड है उनकी, बिजली नहीं मिल रही, धान की समस्या आ रही है, लगा दिया है सर कल से। तो अच्छी बात ये है कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की खुद ही घोषणाएं करके और फ्री बीज का नाम दिखा करके, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो या अन्य समाज के बाकी लोग हो, सबको ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, आज जब देने की बात आई है लोगों ने मांगना शुरू किया तो उसमें से भाग खड़े हुए, इसलिए वहाँ एक रोष बना है किसान का, लेकिन किसानों के इस रोष के कारण से इस मुसीबत में आएंगे, किस संकट में आएंगे, ये तो ये तो वो जान लिया। पानी का ट्वीट किया है सर, सर पानी की समस्या कम हुई है तो किसान बोनस की मांग कर रहे हैं हरियाणा सरकार। देखिए किसान की हर बात हम हमेशा से ले चढ़ाते हैं, लेकिन हमने चूँकि MSP पर इतना गेहूँ सब खरीदा है, प्राइवेट पार्टियों ने जो गाँव का गेहूँ खरीदा है वो MSP पर भी ऊपर बिका है, इसलिए अगर कहीं कमी आई भी है तो प्राइवेट बिक्री में जो लोगों ने बेचा है वो उसके तौर पर कॉपी पीछे करना। हम तो बहुत आधा ही शायद जो हमारा टारगेट था आधा ही 50% ही खरीद पाए, बाकी 50% किसानों ने और बेचा है प्राइवेट पार्टीज को, वो हाई रेट में बेचा है। ये अलग बात है, अभी एक विवाद जो नया आ गया है वो है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट खुला था केंद्र सरकार ने, चूँकि अपने देश में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपूर्ति कम ना हो जाए इसलिए उसको बंद भी किया था, लेकिन आज ही एक निर्णय और हुआ कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया निर्यात के लिए जितनी क्वांटिटी का उतना निर्यात तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके अलावा भी निर्यात नहीं करेंगे। किसानों के घर में अगर अनाज है आज भी तो मंडी में बिक्री के लिए उनको सुविधा दे दी है कि अगले 10 दिन के अंदर वो मंडी में अपना अनाज आ जाए। स्टोरेज की खबरें आ रही है, गेहूं के स्टोरेज की, दूसरी तरफ 24 घंटे भिखे घोर रहे हैं और 25 से 21 साल के बच्चों को शराब की, इसलिए आप क्या कहते हैं? देखिए ये आयु कोई हमारे यहाँ ही इस प्रकार का अंतर किया था नहीं, बहुत से प्रांतों में इसका अंतर किया गया है,
और मानो नहीं भी करते हैं तो भी जो 25 से 21 साल वाले बच्चे को रुकते नहीं है, जो रुकते ही नहीं है तो फिर हम उसको बंधन लगा करके फिर करके रखने का फायदा नहीं है। बजाय वो इल्लीगल कोई काम करें तो जैसे बाकी प्रांत कर रहे हैं 21 साल में मैच्योर हो जाता है एक नौजवान, उस नौजवान को अपना भला बुरा अपने आप सोचना है, अपने आप सोचते नहीं है, वो जैसा पहले करते वैसे ही अब करेंगे, केवल उसको लीगली वो ले सकता है खरीद सकता है। वरना तो जो बिक्री करने वाले भी दुकानों पर छोटे बच्चे मानो 25 साल से नीचे होते थे, नौकरी तो 18 साल से ऊपर कर ही सकता है, अगर 18 और 25 के बीच का कोई आदमी दुकान पर भी मिल जाता था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। इसलिए उसको पानी को लेकर तीन स्टेटों का विवाद चल रहा है, हरियाणा पंजाब दिल्ली का, अगर 18 और 25 के बीच का कोई आदमी दुकान पर भी मिल जाता था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। इसलिए उसको पानी को लेकर तीन स्टेटों का विवाद चल रहा है, हरियाणा पंजाब दिल्ली का विवाद चल रहा है, कब तक सुलझने की उम्मीद है? अच्छा तो ये है कि ये विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों आगे आए, हमारा उसमें ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि पंजाब पानी दे देगा, हम दिल्ली में जो पानी भेजते हैं वो ज़्यादा भी मांगेंगे तो और भी दे देंगे, लेकिन अभी तक तो जितना पानी दिल्ली का है कोटा उनका है उससे भी ज़्यादा, एज पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके 2 रिजर्वायर हमने हमेशा भर के रखने हैं और उसको लगातार मॉनिटरिंग होती है, हरियाणा के लोग भी करते हैं, दिल्ली के लोग भी करते हैं, उसको भरने का जो एक विषय है सुप्रीम कोर्ट का उसको पालन करेंगे, और उसके कारण से हमें कभी कोई कठिनाई ज़रूर आती है कि ये जो 2 महीने होते हैं अप्रैल मई जून लगभग 2.5 महीने, इसके अंदर क्योंकि वर्षा से पहले पानी कम हो जाता है पीछे से भी, लेकिन थोड़ा सा जून में राहत ये हो जाती है कि जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल करके थोड़ा पानी बढ़ता है, तो अगर कोई कठिनाई हमारी रहेगी भी अपनी भी, हमारे यहाँ भी कठिनाई काफ़ी है, पीने के पानी की समस्या संकट, सिरसा जिले में भी बहुत लोग आके मुझे मिले हैं, हमारे तालाबों में पानी नहीं है, पीने का कम है, हम पानी की आपूर्ति अपनी भी करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको देना वो भी। सर धान का सीजन आ रहा है, सीएम साहब युवाओं से जुड़ा सवाल है, सीईटी का एग्जाम कब होगा? आज पूरे हरियाणा भर में युवा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कारण क्या है कि उसका एक टाइम टेबल बन चुका है और सीईटी का जो पॉलिसी है वो भी डिक्लेयर हो गई है, केवल ग्रुप सी में कुछ नौकरियों की कंडीशन डिपार्टमेंट्स ने बदलनी है, क्योंकि हमने सीईटी प्लस 2 करके जो विद्यार्थी आएंगे उन्हीं का एग्ज़ाम लेना है, डिपार्टमेंट्स में कईयों में ग्रुप सी की भी 10वीं की एक कंडीशन रखी हुई है, हमने उनको भी कहा है कि आप प्लस 2 करिए ताकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और डिपार्टमेंट उनकी रिक्वेशन में कोई समस्या ना पड़े, अगर मान लो वो कठिनाई आएगी तो हो सकता है कि 1500 सीट ऐसी रह जाए जो अभी प्लस 2 नहीं उन्होंने की है वो अगले उसमें कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 दिन के अंदर अगर डिपार्टमेंट उसको कर देते हैं वो 1500 भी जुड़ जाएंगे, तो ऐसी ये सब अगला जून का अंतिम सप्ताह अथवा जुलाई का प्रथम सप्ताह इसमें सीईटी का एग्जाम हो जाएगा। एक अधिकारी की रैली है उसमें मान के चले कि सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सुगात मिल जाएगी, हालांकि तो मिल गई है, मतलब उसका नींव पत्थर रख दिया जाएगा, मिल गई है जैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी यहाँ से होती है तो सबसे कर सब धान का सीजन आ रहा है, पिछली बार किसानों को खाद की समस्या आई थी, अब धान के सीजन में किसानों के लिए कितना स्टॉक है खाद का हरियाणा में? देखिए अब एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे मालूम नहीं है, वो डिपार्टमेंट से पूछ के बताया जाएगा, लेकिन हम जो है केंद्रीय जो डिपार्टमेंट है चाहे वो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है या रेलवे डिपार्टमेंट, 2 ही डिपार्टमेंट हैं जिनके कारण से कठिनाई आती है, या तो रेलवे के रैक कम मिलते हैं, ढुलाई कम हो पाती है, या फिर खाद पीछे कम मिलता है, इस बार रेलवे की कठिनाई